मुकम्मल हल जारी है। 9 सीटों में सबसे चर्चित बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर है, जिसमें बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर घोषणा अभी तक नहीं की गई। वहीं उससे पहले कर्नल सुदाम चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ शनिवार को जयपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं से मुलाकात कर टिकट की मांग की, तो आज भाजपा राजस्थान के कई लोकसभा क्षेत्र में विजय संकल्प सभा की जा रही है। बाड़मेर जिले के सिवाना उपखंड में विजय संकल्प सभा हुई। वहीं भाजपा के नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि इस सभा में लोगों में जोश व उत्साह देखा गया है। मैं समझता हूं कि लोगों के मन में यह है कि वह समय नजदीक आ जाए, 29 अप्रैल को एक बार विधानसभा चुनावों का बदला ले ले और देश के तख्त पर पुनः नरेंद्र मोदी जी को बैठा दे। ऐसा जोश व उल्लास दिखाई दे रहा है। इस बात को लेकर लोगों में उत्साह तो दिखा, लेकिन इस सभा में कर्नल सुनाराम चौधरी का रैली में नहीं आना कई सवाल खड़े करता है और आने वाले दिनों में भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं मान सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है। गौरतलब है कि कर्नल सुनाराम चौधरी ने 2014 में कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर बाड़मेर जैसलमेर के बाद लोकसभा चुनाव जीते थे। उसके बाद 2018 में विधानसभा का चुनाव बाड़मेर से आ गए थे। उसके बाद ही उसकी लोकसभा सीट की दावेदारी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। आज बाड़मेर से जिले की ये आम सभा सिवाने में हुई है। मैं समझता हूँ जिस उल्लास और उत्साह के साथ सभा के अंदर लोगों में जोश देखा गया है, लोगों के मन में एक ही तमन्ना है कि वो समय नजदीक आ जाए 29 अप्रैल को एक बार विधानसभा के चुनाव का ब्याज से बदला ले लें और देश के तख्त पर पुनः नरेंद्र मोदी का आरूढ़ कर दें। इसी प्रकार का उत्साह और उल्लास दिखाई दे रहा है। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर।